नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं एक पौराणिक कथा लेकर आया हूँ जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत से लोग स्टोरी के बारे में जानते हैं, लेकिन आप सभी को पता है हम यहाँ पे उन्हीं स्टोरी को इंग्लिश में यहाँ पे सीखते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में वोकैबुलरी उसकी हम जानते हैं, उसकी मीनिंग जानते हैं, हिंदी में सही प्रोनंसिएशन, उसका उच्चारण कैसे करना ये सीखते हैं, टेंसेस सीखते हैं। तो यदि आपको स्टोरी पता भी हो, ये कथा आपको पता भी हो, तो भी आपको इसे सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको इंग्लिश में आपको सुनने को मिलेगा। ज़्यादातर आप लोग हिंदी में या अपनी मातृभाषा में इसे सुने होंगे। तो बहुत से लोगों को पता है स्टोरी नरसिंह अवतार की। देखिए यहाँ पे नरसिम्हा अवतार लिखा हुआ है, नरसिम्हा ऐसे लिखा हुआ है नरसिम्ह, बट एक्चुअल में नरसिंह होना चाहिए। नरसिंह दो शब्दों से मिलकर बना, एक नर होता है, नर यानी मनुष्य को नर कहा जाता है, और उसके बाद ये लिखा हुआ सिंह, सिंह यानी होता है शेर। तो आधा जो पुरुष और आधा शेर, आधा मानव आधा शेर, तो इसलिए नरसिंह ये एक्चुअल है। तो नरसिम्हा ऐसे विकिपीडिया में नरसिम्हा लिखा हुआ है, बट एक्चुअल नरसिंह होगा। तो हम जो लिखा है वो पढ़ते हैं। तो नरसिम्हा अवतार, तो भगवान विष्णु का जो नरसिंह अवतार हुआ था उसके बारे में कथा है, बहुत अच्छी है, आप सभी को पता है, और बहुत कुछ नया हमें यहाँ पे सीखने को मिलेगा। और जिन्हें नहीं पता है उनके लिए तो ये बेस्ट है, यानी उनको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए लास्ट तक बने रहेंगे, बहुत ही डिटेल में हम ट्रांसलेशन यहाँ पे करते हैं। हिरण्यकश्यप हर्ड ऑफ हिज ब्रदर हिरण्याक्ष, है ना, हिरण्याक्ष एस और जुड़ गया है, मतलब का के की, यानी हिरण्याक्ष का ऐसे यूज किया जाएगा यहाँ पे। तो हिरण्यकश्यप ने सुना, ये हर्ड क्या, हियर यानी सुनना होता है, बट सेकेंड फॉर्म हर्ड कहा जाएगा। हियर्ड क्यों नहीं बोलते, क्योंकि हियर के मतलब ईडी नहीं जुड़ा है, हियर्ड हियर नहीं होता, हर्ड होता है, तो हर्ड यानी सुना या सुनी। तो हिरण्यकश्यप ने सुनी ऑफ यानी कि हिज अपने ब्रदर भाई हिरण्याक्ष यानी हिरण्याक्ष के डेथ, उसकी मृत्यु के बारे में वो सुना। ही वॉज फिल्ड विथ एंगर, ही वॉज फिल्ड यानी कि वो भर गया था, फिल्ड यानी भर जाना, फिल्ड का फिल्ड भर गया था, विथ यानी से एंगर यानी क्रोध से भर गया था, गुस्से से भर गया था, एंड वॉन्टेड टू टेक रिवेंज, और वॉन्टेड चाहता था, वॉन्ट यानी चाहना, तो सेकेंड फॉर्म वांटेड हो जाता है, वांटेड चाहता था, टू टेक लेना, क्या लेना, रिवेंज, रिवेंज यानी बदला, और बदला लेना चाहता था, ये पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। ही कॉल्ड ऑल इविल किंग्स, ही कॉल्ड उसने बुलाया, ठीक है, ऑल यानी से भी इविल, बहुत से लोग ऐसे इविल भी पढ़ते हैं, बट इविल से ही पढ़ेंगे, इविल किंग्स यानी कि दुष्ट राजाओं को, भाई खुद राक्षस है तो दुष्ट राजाओं को ही बुलाएगा, तो दुष्ट राजाओं को बुलाया, यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस है। सब्जेक्ट के बाद यदि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म मिलता है तो सीधा समझ जाइए पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, आप लोग लिख सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, डायरेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, सॉरी दिया था, लिया था, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। यहाँ पे खाया, गया, आया, जाता था, खाता था, इस प्रकार के सेंटेंस यूज होते हैं। असुरास एंड दैत्यास, असुर और दैत्यों को फॉर के लिए, अ मीटिंग, तो एक बैठक के लिए बुलाया असुर और दैत्यों को। आफ्टर द मीटिंग यानी कि बैठक के बाद, ही पिक्ड अप द ट्राइडेंट एंड टुक एन ओथ, ही पिक्ड अप, पिक्ड अप यानी उठाया द ट्राइडेंट, ये ट्राइडेंट क्या होता है, त्रिशूल को ट्राइडेंट कहा जाता है, उसने त्रिशूल उठाया, एंड टुक लिया, एंड ओथ, सॉरी ओथ लिखा, ओथ यानी क्या होता है, ओथ यानी होता है शपथ लेना, कसम खाना, और उसने ट्राइडेंट यानी कि त्रिशूल उठाई और शपथ लिया, टुक यानी लिया, टेक टुक टेकन, तो सेकंड फॉर्म टुक का यूज करेंगे। एन ओथ, एन यानी एक होता है, ओथ, ओ को मत देखिए, हिंदी का ओ देखिए, ओथ, ये हिंदी का देखे करेंगे, आ आ ई ई उ ए ओ औ अम, ऐसे यूज किया जाए, यानी कि स्टार्टिंग में ऐसे आपको सुनने में आए तो आप एन लगा दो, यदि स्टार्टिंग हो रहा क ख, जैसे ट्राइडेंट ट, ट से स्टार्ट हो रहा ट, है ना, यहाँ पे आपको आर्मी, तो ये आपका अ से स्टार्ट हो रहा, तो यदि यहाँ पे यदि मान लो आर्टिकल लिखना होता तो हम यहाँ पे एन लगाते, तो आपको देखना है किल क लिखा रहा है, तो इसके आगे हमें एन का यूज नहीं करना, ए का यूज करना, तो आप हिंदी का स्वर को देखिए, अ से देखिए, यानी अ आ ई ई, पूरा जो स्वर है अह तक समझ लीजिए, उस टाइप से यदि उच्चारण हो रहा है तो आप एन लगाएंगे, और क ख ग घ पूरा ज्ञानी के ज्ञ तक आपको यदि लग रहा है कि अरे यहाँ यूनिवर्सिटी हो रहा है, यहाँ पे कैप्टन हो रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आप वहां पे ए का यूज करेंगे, ये आर्टिकल है। टू किल मारने का है ना, लॉर्ड विष्णु यानी कि भगवान विष्णु के मारने का, को मारने का उसने क्या किया, शपथ ली।
देन हिरण्यकश्यप ऑर्डर्ड हिज आर्मी. फिर अब यहां पे देखिए हिरण्याक्ष वाला, यदि आपको स्टोरी नहीं पता हो तो एकदम शॉर्ट में ऐसी बता देता हूं. जो हिरण्याक्ष था उसने क्या किया था, वो जो धरती है हमारी है ना, धरती को क्या किया था उसने, समुद्र में डुबा दिया था. तो भगवान विष्णु ने क्या किया था, वराह अवतार लिया था. वराह अवतार वहां पे उन्होंने क्या किया था, पृथ्वी को उस समुद्र से वापस है ना अंतरिक्ष में उसे रखा था. बहुत से लोग बोलेंगे सर समुद्र पृथ्वी के अंदर समुद्र रहता है, उसी के अंदर कैसे धरती को डुबाएंगे, होता है ना ऐसे. बट आप हम लोगों के है ना ज्ञान से परे है ये पूरा, कि आप सभी विज्ञान में भी जानते हैं कि अंतरिक्ष में केवल एक ही ऐसे धरती नहीं जहाँ पे जीव है, कई मिल्की वेज है, मतलब सॉरी कई आकाश गंगाएं हैं, बहुत सारे आकाश गंगाएं हैं वहां पे, ऐसे कई धरती और ऐसे कई ग्रह हैं जहां पे बहुत बड़े बड़े समुद्र हैं, जहां पे लाखों पृथ्वी डूब सकती है, इतने बड़े बड़े समुद्र एक्चुअल में है ना. वो आप वो क्या कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं गूगल में. तो वैसे ही किसी समुद्र में डुबा दिया था धरती को. तो ये सच मानना नहीं मानना यहाँ पे उसे में मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टोरी ट्रांसलेशन करना है. इसमें अभी नहीं जाते ना ही मैं कुछ पे सफाई दूंगा, क्लियर है. तो उसके बाद क्या हुआ था, उसको जब मार दिए ये देखिए, तब फिर हिरण्याक्ष उसका जो भाई हिरण्यकश्यप वो बोला कि नहीं अब मैं शपथ लेता हूँ लॉर्ड विष्णु भगवान विष्णु को मारने के लिए है ना. देन तब हिरण्यकश्यप ऑर्डर्ड हिज आर्मी. हिरण्यकश्यप ने ऑर्डर्ड, ऑर्डर यानी आदेश देना, उसका सेकंड फॉर्म ऑर्डर्ड यानी कि आदेश दिया. इतना ठीक है उजाला, हाँ ठीक. हिज आर्मी अपने सेना को, उसे आर्मी कहा जाता है, टू गो जाने के लिए ऑल ओवर अर्थ यानी पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर, टू किल एवरी सेज, टू किल यानी मारने के लिए सभी सेज को, साधु को, ब्राह्मण को, और या गॉड लविंग पर्सन. गॉड लविंग यानी भगवान को जो प्यार करने वाला जो व्यक्ति है, भगवान को चाहने वाले, जो भगवान की पूजा करते हो, ऐसे सभी व्यक्तियों को, साधु संत ब्राह्मण या भगवान को पसंद करने वाले सभी व्यक्तियों को मारने का आदेश देते जाओ, सबको मारो, कोई भी भगवान को जो है ना याद करता हो उसे मार दो. सून जल्दी है ना, केओस रेन. यहां पे देखिए केओस रेन है ना, ये रेन यानी कहते हैं शासन करना, और रेन होता है उसका रेन, शासन किया. केओस यानी भाई अव्यवस्था, अराजकता ने शासन किया. सुप्रीम सर्वोच्च, एस यानी के रूप में, द असुरास एंड दैत्यास यानी कि क्या हुआ, जब इतना ज्यादा अराजकता फैल गई थी तब क्या हुआ, असुर और दैत्य ने क्या किया था, वेंट अराउंड बर्निंग. वेंट अराउंड बर्निंग है ना, वो जलाने लगे, जलाते गए. एंड ब्रेकिंग आश्रम ऑफ सेजेस, और उन्होंने क्या किया, ब्रेकिंग यानी तोड़ने लगे. तो अराजकता जो क्या था, बोलबाला हो गया था, क्योंकि असुर और दैत्य ने ऋषियों के आश्रमों को जलाने और तोड़ने लगे. ठीक है, इतना ज्यादा अराजकता फैल गई थी. हिरण्यकश्यप हिमसेल्फ यानी हिरण्यकश्यप हिमसेल्फ यानी खुद, वेंट यानी गया, टू ये प्रपोजिशन है, कहां गया, किसके पास गया, मंदराचल पर्वत, मंदराचल पर्वत पर गया. ही स्टूड ऑन द टो ऑफ हिज राइट फीट. स्टूड यानी खड़ा हुआ, ऑन द टो यानी अपने पंजे पर, टो कहा जाता है, अंगूठा भी बोलते हैं, दाहिने अंगूठा पर खड़ा हुआ. देखिए हिज राइट फीट यानी अपने दाहिने अंगूठे पर. एंड डिड पेनांस टू प्लीज लॉर्ड ब्रह्मा. पेनांस यानी क्या होता है, तपस्या, उसे हम पेनांस कहते हैं. डिड यानी किया, डू डिड डन, तो हम सेकेंड फॉर्म डिड का यूज करेंगे. टू प्लीज यानी खुश करने के लिए, लॉर्ड ब्रह्मा भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए उसने क्या किया, तपस्या की. वेन लॉर्ड ब्रह्मा अपीयर बिफोर हिरण्यकश्यप, जब भगवान ब्रह्मा अपीयर यानी प्रकट हुए, सामने आए, बिफोर यानी सामने होता है, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप के सामने प्रकट हुए, ही सेड, उसने कहा, ओ लॉर्ड, हे प्रभु, इफ यू आर रियली प्लीज, यदि आप रियली यानी सचमुच में प्लीज्ड, प्रसन्न हो, विथ मी, मुझसे, यदि आप सच में मुझसे खुश हो, प्रसन्न हो, काइंडली ग्रैंड मी, कृपया ग्रैंड, ग्रांट का ग्रैंट होता है, ग्रैंट यानी प्रदान करना, देना, तो कृपया मुझे क्या दो, द बून, बून यानी होता है वरदान, कर्ष यानी शाप और बून यानी वरदान, तो कृपया मुझे वरदान दीजिए, दैट की आई यानी मैं, वोंट डाई, वोंट क्या होता है, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट होता है, वोंट डाई, तो ये आपका विल नॉट, नहीं खाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं पीऊंगा, तो विल नॉट, नहीं करूंगा, तो विल नॉट की जगह शॉर्ट पे वोंट का यूज करता है. बोले सर विल विल लिखाना चाहिए, कहां से वोंट लिखे, ये अंग्रेजों का नियम है, अभी आप क्या कर सकते हैं, तो वोंट डाई,
तो विल नॉट को शॉर्ट में वोंट बोलते हैं। तो उसने बोला कि मैं आपसे वरदान चाहता हूं कि मैं कभी भी ना मरूं एट द हैंड्स यानी हाथों से ऑफ एनी ह्यूमन यानी किसी मनुष्य के हाथों से ना मरूं, गॉड किसी भगवान के हाथ से ना मरूं, एनी दैत्य किसी दैत्य के हाथ से ना मरूं, और या एनी असुरा या किसी असुर के हाथ से ना मरूं। देखिए सब मांगना ला, ना मुझे किसी आदमी के हाथ से मरना है, ना किसी भगवान के हाथ से, ना किसी दैत्य के, ना किसी असुर के, है ना, ना किसी जानवर भी था वहां पे, नो इंस्ट्रूमेंट ना कोई यंत्र से, और या वेपन ना कोई हथियार, कैन बी यानी कर सके सक्सेसफुल या हो सके टू किल मी, सक्सेसफुल यानी सफल हो सके टू किल मी, यानी कोई भी यंत्र या हथियार मुझे मारने में सफल नहीं हो सकता, कैन यानी सकता है ना, नीदर ना तो आई डाई एट नाइट ना तो मैं रात को मरूं, नॉर एट डे ना ही दिन को, ना तो मैं रात को मरूं ना ही दिन को मरूं, गॉड्स एंड असुरास ऑल वुड बी डिफीटेड बाय मी यानी जो देवता और जो असुर हैं ऑल यानी सभी वुड बी यानी हो जाए, क्या हो जाए, डिफीटेड बाय मी, सब मुझसे पराजित होंगे, ऐसे आप मुझे दो, विल की जगह वुड का यूज किया गया है, आई विल नॉट डाई मैं नहीं मरूंगा इन द स्काई आसमान में, नॉर ऑन अर्थ न ही धरती में। देखो क्या वरदान मांगा है, मान के चलो कि कोई इसे मार ही नहीं सकता, समझ गया, वरदान एक बार बस सुन लीजिए ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहे, ना मैं किसी मनुष्य के हाथ से मरूं, ना किसी देवता के, ना किसी दानव राक्षस के हाथ से ना मरूं, ना किसी यंत्र से मरूं, ना किसी तंत्र से मरूं, या फिर किसी है ना हथियार से मरूं, कोई मुझे मार ना सके, ना ही मैं दिन में मरूं, ना ही मैं है ना दोपहर को मरूं, ना ही मैं रात को मरूं, ऐसे उसका था, सॉरी है ना, ना दिन में ना रात में मरूं, तो दोपहर भी बोला था उसने, और ना ही मैं किसी देवता के हाथ से मरूं, ना ही किसी असुर के हाथ से मरूं, कोई मुझे हरा ही ना सके, और मैं ना आसमान में मरूं, ना ही धरती पे मरूं, बताइए ऐसे से, और एक मांगा था, ना ही मैं 12 महीने में से कोई भी महीने में मरूं, 12 महीनों में से है ना किसी भी महीनों में ना मरूं। अब ये थोड़ा हार्ड वाला मांगा था, इसका भगवान ने कैसे है ना इसको कैसे भगवान ने हैंडल किया वो आपको लास्ट में बताऊंगा, इसमें नहीं दिया है बट मुझे अच्छे से पता तो लास्ट में आपको बता दूंगा। 12 महीने में जो महीना आता है यहाँ पे जनवरी फरवरी उससे नहीं चलता था, यानी हिंदी मंथ है ना जो जेठ वैसाख ये सब चलता है आपका, तो आप इस 12 महीने में भी ना मरूं, अब ये परेशानी होगी 12 महीने में नहीं मरेगा तो कौन से महीने में मरेगा, देखिए क्या होता है कैसे होता है, यहाँ पे नहीं है बट मैं आपको लास्ट बताऊंगा। लॉर्ड ब्रह्मा ग्रांटेड हिम द बून, अब भगवान ब्रह्मा ने क्या कहते ग्रांटेड प्रदान किया, हिम यानी उसे द बून, अब भगवान ब्रह्मा ने उसे वरदान दे दिया। नाउ अब हिरण्यकश्यप वाज श्योर ऑफ हिज इमॉर्टलिटी, हिरण्यकश्यप वाज यानी था श्योर यानी उसे पूरा यकीन था, ऑफ यानी से या के हिज अपने इमॉर्टलिटी यानी होती अमरता, अब उसे अपनी अमरता पर पूरा भरोसा हो गया था। ही अनाउंस्ड उसने घोषणा की दैट की एनीवन फाउंड प्रेइंग और वर्शिपिंग लॉर्ड विष्णु, एनीवन यानी जो कोई भी फाउंड यानी यदि पाया जाता है प्रेइंग प्रार्थना करते हुए या पूजा करते हुए भगवान विष्णु की इन हिज किंगडम उसके राज्य में यदि कोई ऐसे करते हुए पाया जाता है वुड बी किल्ड मारा जाएगा इमीडिएटली तुरंत वो मारा जाएगा, कोई भी उसकी यदि पूजा की तुरंत मारा जाएगा। द ऑर्डर्स वर इमीडिएटली कैरिड आउट, और जो आदेशों का वर यानी थे क्या हो गए थे इमीडिएटली तुरंत, कैरिड आउट यानी पालन करना, और आदेश का तुरंत पालन किया गया, जो भी साधु संत या जो भी भगवान का नाम लेते थे सबको तुरंत मार डालते थे। हिरण्यकश्यप हैड फोर सन्स, और हिरण्यकश्यप के हैड फोर सन्स चार बेटे थे, द यंगेस्ट वॉज नेम्ड प्रहलाद, और जो सबसे छोटा था उसका नाम प्रहलाद था, क्या नाम था प्रहलाद, आप सभी ने स्टोरी पढ़ी होगी बट देखेंगे आगे और मजा आने वाला आप लोगों को, प्रहलाद था। ही वॉज बींग टॉट by शान एंड अमर, अच्छा ये तो उनके नाम है कि उसने क्या किया था, संद है शंद और अमरक है ना, अमरक उसका नाम था, उनके द्वारा क्या किए गए थे ये शंद है ना, शंद और अमरक नाम था, ये कौन थे पता है, शुक्राचार्य के बेटे थे दोनों, शुक्राचार्य के बेटे थे और इन्हीं से वो क्या करते थे, इनके पुत्र जो थे हिरण्यकश्यप के यहाँ वो पढ़ाई करते थे वो लोग, तो उनके शुक्राचार्य के बेटे थे कौन, ये शन और अमरक है ना, ये दोनों थे।
हु वर आचार्य शुक्र, यहां लिखा भी हुआ है हु वर जो थे आचार्य यानी आचार्य शुक्राचार्यासन, आचार्य शुक्राचार्य के बेटे थे। दे वेंट टू हिरण्यकश्यप, दे वेंट वे गए, टू प्रीपोजिशन है, हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप के पास, विद अ कंप्लेन एक शिकायत के साथ गए। योर मैजेस्टी महाराज, योर सन डज नॉट स्टडी, आपका बेटा पढ़ता नहीं है, डज नॉट स्टडी यानी पढ़ता नहीं है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है जहां पे आप डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं। योर सन थर्ड पर्सन है, इसे डज नॉट का यूज किया गया, यही आई यू वी दे होता तो डू नॉट का यूज किया था। उसने कहा आपका बेटा पढ़ाई नहीं करता, व्हाट वी टीच हिम, जो कुछ भी हम उसे पढ़ाते हैं वो नहीं पढ़ता है, ऑल द टाइम पूरे समय है ना, पूरे समय ही इज बिजी, वो बिजी रहता है किसमें, रिसाइटिंग, रिसाइट करना है सी के साथ, यदि आई हो वाई हो या ई हो तो ज्यादातर आप देखेंगे स उच्चारण होता है सी का, है ना स, वो हमेशा स्तुति करते रहता है, उच्चारण करते रहता है, लॉर्ड विष्णुस नेम, भगवान विष्णु के नाम का हमेशा उच्चारण करते रहता है। रिसाइट करना, उच्चारण करना, दोहराना, पढ़ना, बहुत सारा मतलब होता है। जो पढ़ाते वो नहीं पढ़ता, भगवान विष्णु का ही नाम लेता है। बताइए हिरण्यकश्यप ने तो पूरे सबको मारने का आदेश दिए थे, उसका बेटा ही ऐसा कर रहा है। हिरण्यकश्यप एट वंस, हिरण्यकश्यप एट वंस यानी तुरंत, कॉल्ड फॉर प्रहलाद यानी प्रहलाद को बुलाया, एंड आस्क्ड हिम और उससे पूछा, व्हाई ही डिड सो, व्हाई ने क्यों, ही यानी उसने, डिड यानी किया, सो यानी वैसा, तो उसने पूछा भी ऐसा क्यों किया, सो यानी वैसा, ऐसा दोनों होता, ऐसा क्यों किया। प्रहलाद रिप्लाइड, प्रहलाद ने जवाब दिया, फादर पिताजी, लॉर्ड विष्णु इज द प्रोटेक्टर ऑफ द होल यूनिवर्स, भगवान विष्णु इज यानी है द प्रोटेक्टर, प्रोटेक्ट यानी आपको पता रक्षा करने वाला, प्रोटेक्टर यानी रक्षा करने वाला, ऑफ द होल, होल यानी पूरा, डब्ल्यू सेवन रहता है केवल होल पढ़ेंगे, यूनिवर्स यानी पूरे ब्रह्मांड के रक्षा करने वाले हैं, डिस्ट्रॉयर यानी होता है उनका विनाश करने वाला, जो भगवान भोलेनाथ को माना जाता है, जब धरती का नाश होगा तो वो करेंगे और रक्षा ये करते हैं, जन्म ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ मान के चलिए, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का। दैट इज वाई इसलिए आई प्रे टू हिम, मैं उनकी प्रार्थना करता हूँ, पूरे ब्रह्मांड के रक्षक हैं। आई नो, मैं जानता हूँ, के साइलेंट है केवल नो पढ़ेंगे, डब्ल्यू भी साइलेंट है। आई नो, मैं जानता हूँ, ऑल द पीपल सभी लोग, इन योर किंगडम आपके राज्य के सभी लोग, फॉलो, फॉलो यानी अनुसरण करते हैं, योर ऑर्डर आपके आदेश को मानते हैं, एंड प्रे टू यू और आपकी प्रार्थना करते हैं। अवर टीचर्स हमारे जो शिक्षक हैं, आस्क मी यानी आस्क यानी कहना भी होता है, आस्क मी टू वर्शिप मुझे पूजा करने के लिए कहते हैं, यू आपकी लाइक अदर्स दूसरों के जैसे आपकी पूजा करने के लिए कहते हैं मुझसे, बट लेकिन आई कैन नॉट डू दैट, कैन नॉट नहीं कर सकता, डू यानी करना, दैट यानी वैसा या ऐसा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, सब कोई है ना, सब कोई तो करते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता बाकी लोग के जैसा, कैन नॉट नहीं कर सकता, कैन यानी सकना होता है। हिरण्यकश्यप नाउ आस्क्ड द रॉयल प्रीस्ट, हिरण्यकश्यप ने अब आस्क यानी पूछा या कहा, द रॉयल प्रीस्ट यानी जो शाही जो पंडित थे पुरोहित, जिसे हम राजपुरोहित कहते हैं, राजपुरोहित से कहा, टू टेक केयर यानी ध्यान देने के लिए, ध्यान रखने के लिए, ऑफ हिज सन स्टडीज यानी अपने बेटे की पढ़ाई का ध्यान रखने के लिए कहा, तो आस्क यानी पूछना भी होता है, आस्क यानी कुछ काम करने के लिए, कहने को भी आस्क कहा जाता है। सो दैट ताकि ही वुड स्टॉप, वो क्या कर दे, बंद कर दे वर्शिपिंग पूजा लॉर्ड विष्णु, ताकि वो भगवान विष्णु की पूजा करना बंद कर दे। बट नथिंग न्यू हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं, नया नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, तो उसे ऑन द अदर हैंड कहते हैं, और दूसरी तरफ आप ऐसे वर्ड मीनिंग नहीं कर रहे, दूसरे हाथ में ऐसे हो जाएगा, बट इसका मतलब होता है, और दूसरी ओर द प्यूपिल एट द रॉयल प्रीस्ट्स आश्रम, प्यूपिल यानी जो छात्र थे, जो विद्यार्थी थे, पीपल यानी लोग होते हैं, और ये प्यूपिल यानी शिष्य, चेला, शिष्य विद्यार्थी को प्यूपिल कहा जाता है। एट ये प्रीपोजिशन है, जगह बता रहा है, रॉयल प्रीस्ट्स आश्रम, तो जो राजपुरोहित के आश्रम के जो छात्र थे, विद्यार्थी थे, वर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस्ड यानी कहता प्रभावित हो जाना, उसे इन्फ्लुएंस्ड बोलते हैं, वो भी क्या हो गए थे, वो भी प्रभावित हो गए थे बाय प्रहलाद, प्रहलाद से प्रभावित हो गए थे, एंड प्रे टू लॉर्ड विष्णु लाइक हिम, और उसके जैसे, लाइक हिम यानी उसके जैसे, भगवान विष्णु की उन्होंने भी प्रार्थना की, वो लोग भी प्रार्थना करना शुरू कर दिया, पहले तो यही करता था, अब उसने सबको सिखा दिया।
हिरण्यकश्यप आस्क्ड प्रहलाद, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, सन बेटा व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, तो उसने पूछा भाई बेटा तुम सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हो, टू रिसाइट लॉर्ड विष्णुज नेम, भगवान विष्णु का नाम जपना, हु डू यू थिंक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो तुम्हें क्या लगता है, हु डू यू थिंक तुम्हें क्या लगता है इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी सबसे मजबूत कौन है, सबसे ताकतवर कौन है, तुम्हें कौन लगता है, नन बट लॉर्ड विष्णु द प्रोटेक्टर, देखिए क्या बोल रहे, कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु हमारे रक्षक, रक्षक भगवान विष्णु ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, सबसे ज्यादा बलवान है। अब देखिए उसने तो बोल दिया कि आप नहीं, वो सबसे ज्यादा बलवान है। हियरिंग दिस, यह सुनकर हिरण्यकश्यप लॉस्ट इस टेम्पर, हिरण्यकश्यप ने अपना आपा खो दिया, ऐसे बोलते हैं अपना आपा खो देना, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, अपना आपा खो दिया। ही ऑर्डर्ड, ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है, उसने आदेश दिया, सब पास सिंपल टेंस है, सभी के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म पास सिंपल टेंस, हिज गार्ड्स अपने पहरेदारों को टू पॉइजन प्रहलाद, पॉइजन यानी जहर देने का, है ना, विष देने का, प्रहलाद को जहर देने का आदेश दिया, जहर दे दो इसे। प्रहलाद ड्रैंग द ऑफर्ड कप, ड्रैंग यानी पिया उसने, ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रैंग होता है, तो उसने ये देखिए यहाँ पे चित्र में भी आपको दिख रहा है, ये देखिए पी लिया, ये देखिए सबको उसने वो कर दिया था, तो ड्रिंक का सेकंड फॉर्म होता है ड्रैंग, ड्रिंक ड्रैंग और ड्रंक थर्ड फॉर्म होता है, नहीं आप याद रखें, वर्ब का फॉर्म भी आपको पता चलते आ रहा है। ऑफर्ड कप यानी जो उसे प्रस्तुत किया गया था, परोसा गया था, वो कप को उसने क्या कर दिया, पी लिया। फुल ऑफ पॉइजन यानी जहर से भरा हुआ प्याला को पी लिया। येट फिर भी ही लिव्ड, फिर भी वो क्या थे, जीवित थे, फिर भी वो बच गया। एवरीवन वंडर्ड यानी सभी कोई आश्चर्य के थे, वंडर्ड यानी आश्चर्य के, हैरान हो जाना, एट दिस मिरेकल, मिरेकल यानी चमत्कार, इस चमत्कार पर सभी को आश्चर्य हुआ। देन तब इट वॉज ऑर्डर, यह आदेश दिया गया दैट की प्रहलाद बी टाइड टू अ लार्ज डॉग, बी टाइड यानी बांधा जाए, टू अ लार्ज रॉक, बड़े से चट्टान में या बड़े से पत्थर में उसे बांध दिया जाए, एंड थ्रोन थ्रोन इन टू द सी, समुद्र पर फेंक दिया जाए, टू ड्रोन, ड्राउन है, ड्राउन यानी होता है डूबना को ड्राउन कहते हैं, ड्रोन या ड्राउन है ना, ड्रोन तो उड़ने और ड्रोन होते हैं, ड्राउन कहा जाता है, समुद्र में डूबने के लिए, देखिए ऐसे बड़ा चट्टान बांधो और फेंक दो ताकि तैर के वापस ना सके, डूब जाए। बट लेकिन मिराकुलसली है ना, यहाँ पे देखिए मिराकुलसली, यहाँ पे आप देखेंगे दोनों को आप तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, मिराकुलसली है ना, मिराकुलसली यानी मिरेकल से जुड़ा हुआ है, मिराकुलसली आप इसे अलग अलग मिराकुलसली ऐसे लिख लेंगे, यानी इसका मतलब होता है चमत्कारिक ढंग से, जादुई ढंग से, द रोप्स यानी जो रस्सियां, दैट बाउंड सीम जो उसने बांध रखा था, केम फ्री, केम फ्री यानी खुल गया, एंड ही वॉक्ड आउट ऑफ द सी वॉटर्स रिसाइटिंग लॉर्ड विष्णुस नेम, देखिए कितनी बड़ी बात हो गई, और जो उसे बांधने में रस्सियां खुल गई और भगवान विष्णु का नाम लेते हुए समुद्र से, समुद्र के पानी से बाहर आ गया, रिसाइटिंग नाम जपते हुए भगवान विष्णु का नाम वापस आ गया। देन प्रहलाद वॉज मेड टू सिट, तब प्रहलाद को वॉज मेड टू सिट यानी बैठाया गया, अब ये खुद नहीं बैठ रहा, उसे बैठाया गया, तो वहां पे मेड का यूज किया गया, पॉजिटिव वर्ब होता है मेक, है ना, तो वही जब टेंस चेंज होता है तो मेक का कभी पास्ट में मेड हो जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में थर्ड पर्सन मेक्स हो जाता है, आईएनजी फॉर्म है तो मेकिंग हो जाता है ना, इस प्रकार से यूज किया जाता है, यानी प्रहलाद खुद नहीं बैठ रहा, उसे बैठाया जा रहा है, कोई किसी से कुछ काम करा रहा है तब वहां पे हम मेक का यूज करते हैं, है ना, तो प्रहलाद वॉज मेड टू सीट, उसे बैठाया गया ऑन अ बर्निंग पायर, बर्निंग पायर जलते हुए आग में, ऐसे यूज किया जाएगा, जलती हुई चीता, सॉरी चीता होता पायर है ना, जलती हुई चीता में बैठाया गया, बट द फ्लेम्स टच्ड हिज बॉडी, लेकिन जो फ्लेम्स यानी क्या होता है, जो उसकी लपटें थी है ना, उसके टच यानी छुआ, हिज बॉडी उसके शरीर को छुआ, एंड वर एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड का मतलब क्या होता है, बुझ जाना, और बुझ गई। प्रहलाद सैट अनस्कैथर्ड है ना, अनस्कैथर्ड है ना, अनस्केथ्ड, हाँ ये सही होगा, अनस्केथ्ड का मतलब होता है हम जिसे बोलते हैं कि मतलब कुछ टूटना फूटना नहीं, कोई नुकसान नहीं होना, उसे अनस्केथ्ड कहा जाता है। हिंदी में जैसे बोले अक्षत होना, अक्षत यानी जिसका कोई बिल्कुल जैसे है वैसे ही रहे, कोई भी एक हिस्सा भी टूटना नहीं, कुछ खराब नहीं होना, उसे अक्षत कहते हैं,
वही अनस्केथ्ड कहा जाता है। तो प्रहलाद बिल्कुल सही सलामत बैठा था, ऐसे यूज किया जाएगा, सुरक्षित बैठा रहा। ये आप जो होलिका दहन की स्टोरी है ना, वहां पे यहाँ पे डिटेल में नहीं बताया कि स्टोरी अब खत्म होने वाली है, तो ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहते थे। तो यहाँ पे उसकी होलिका नाम की बहन थी जिसको वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी, तो आग में बैठ गई प्रहलाद को गोद में लेके, भतीजा आओ बैठो, बैठ गया। लेकिन जब आग जलाया गया तो प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ बल्कि होलिका खुद जल गई। तो उसने ब्रह्मा जी से कहा कि हाँ महाराज, आपने कौन सा वरदान दिया? बोले वरदान गलत चीज के लिए नहीं होता, आपने गलत चीज के लिए वरदान का उपयोग किया तो काम नहीं करेगा। तो फिर वो जल के राख हो गई, प्रहलाद सुरक्षित। तो वहां पे नहीं दिया है, बट उसी दिन से होलिका दहन किया जाता है। नाउ हिरण्यकश्यप टाइड प्रहलाद टू अ पिलर। अब देखिए एंडिंग आना, तब हिरण्यकश्यप ने टाइड यानी बांधा, टाई का टाइड है ना, प्रहलाद को टू प्रपोजिशन अ पिलर, पिलर यानी क्या होता है, खंभा, एक खंभे में बांध दिया। He picked up the sword. उसने picked up यानी उठाया, the sword यानी क्या था, तलवार को, to cut off his head, उसके सिर को काटने के लिए तलवार उठा लिया। Suddenly अचानक से the earth shook violently. Shook क्या है, shake का shook हो जाता है, यानी कि धरती जोर से हिली। The pillar broke into pieces. और जो pillar था, खंबा था, broke टूट गया, break का broke हो जाता है, into यानी में pieces टुकड़ों में, यानी टुकड़े टुकड़े हो गए, टुकड़ों में टूट गया। एंड अ स्ट्रेंज क्रीचर, और एक क्रीचर यानी क्या होता है, प्राणी, जंतु, जीव जंतु, प्राणी को क्रीचर कहा जाता है। और एक अजीब सा प्राणी अपीयर टू ऑल, सभी को दिखाई दिया, अपीयर यानी प्रकट हुआ, दिखाई दिया। और एक अजीब सा प्राणी सबको दिखाई दिया। यहाँ पे भी हिरण्यकश्यप पूछते बांधने बाद, बताओ भगवान कहाँ कहाँ पे है? बोले कि सब सब जगह भगवान है, नीचे है, ऊपर है, अगल में है, बगल में है, पेड़ में है, पौधे। बोले क्या तुम्हारे खंभे में भगवान विष्णु है? बोले हाँ, भगवान विष्णु खंभे में, तो बुलाओ उसको। और जैसे ही प्रहलाद ने उन्हें बुलाया, खंभे से भगवान निकले थे। ऐसी भी स्टोरी है, जो भी मानो मतलब तो वही है, यहाँ पे ऐसे दिए गए, यही पढ़ेंगे। ही वॉज द नरसिम्हा अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु, ये भगवान विष्णु के नरसिम्ह अवतार थे, चौथा अवतार थे मेरे ख्याल से। ही हैड, बस एंडिंग है, लास्ट पेज, ही हैड द हेड ऑफ अ लायन, ये देखिए इसलिए नरसिम्ह अवतार नाम था, हेड ऑफ अ लायन यानी एक शेर का शीर था उसके पास, हेड यानी था, एंड द टॉर्सो ऑफ अ ह्यूमन, ये टॉर्सो क्या है, धड़, सिर, धड़। तो याद रखेंगे टॉर्सो यानी धड़ होता है, लिख लीजिए नहीं पता होगा तो, शेर का सिर और इंसान का धड़ था यानी शरीर था। ही पिग्ड हिरण्यकश्यप, उसने हिरण्यकश्यप को उठाया। आप देखिए जो जो वरदान मांगा था कैसे यहाँ पे वरदान को काट रहे हैं, देखिए। एंड ले हिम ऑन हिज लैप, ले यानी लिटा दिया, हिम यानी उसे, ऑन हिज लैप अपनी गोदी पर उठा लिया, गोदी पर लिटाया, क्यों देखिए अभी आपको पता चलेगा। एंड पोजिशन, अच्छा पोजिशन लिखा हुआ है ना, पोजिशन यानी उसे उसके स्थान को है ना, पोजिशन करना, कहाँ पे क्या करना। हिम सेल उसे एट द डोर पोस्ट, डोर पोस्ट यानी क्या होता है, चौखट को डोर पोस्ट कहते हैं, और उसे दरवाजे के चौखट पर खड़ा कर दिया, उसे रख दिया वहां पे। बट हिरण्यकश्यप शाउटेड, लेकिन हिरण्यकश्यप चिल्लाया, Whoever you are, जो कोई भी तुम हो, you cannot kill me, तुम मुझे मार नहीं सकते, तुम मुझे मार नहीं सकते। नरसिम्हा रोर, तो जो नरसिंह अवतार थे, रोर याने दहाड़ना, उसे रोर कहा, दहाड़े। It is neither day nor night, ये न ही दिन है न ही रात है, उस समय शाम का समय था मेरे ख्याल से, न ये दिन है न रात है। It's evening, देखिए यहाँ लिखा हुआ, ये शाम का समय है। You are on my lap, lap यानी होती गोदी है ना, लैपटॉप, तभी तो बनता गोदी में रख के चलाते, लैपटॉप वही लैप है। तुम मेरे ऑन यानी प्रीपोजिशन पर का यूज, किसी चीज के ऊपर ऐसा रखा हुआ है तो ऑन का यूज करते हैं। यू आर ऑन माई लैप, तुम मेरी गोद पर हो, विच इज नीदर नॉर अर्थ नॉर इन द स्काई, जो कि ना धरती पर है ना ही आसमान पे, ये आसमान ऊपर होता है, धरती नीचे होता है, तुम मेरे गोद में बीच में हो, ना ये धरती है ना ही आसमान है। आई एम नीदर ह्यूमन नॉर गॉड, न ही मैं मनुष्य हूं, न ही मैं देवता हूं, नॉर एन असुरा, न ही एक असुर हूं, और अ दैत्य, न ही दैत्य हूं, है ना, ना मैं जानवर हूं, ना इंसान हूं, न ही मैं देवता हूं, ना ही दानव हूं, ना कोई मनुष्य हूं। आई हैव नो इंस्ट्रूमेंट्स और वेपन्स, मेरे पास कोई भी यंत्र या हथियार नहीं है। बट माई शार्प नेल्स, लेकिन मेरी नुकीली जो नाखून है, विल किल यू, लेकिन मेरी जो नुकीली नाखून है तुम्हें
मार देंगे, धार मारना तुम्हें मार देंगे। सो नाउ विदाउट शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू लॉर्ड ब्रह्मास बोन, है ना, इसलिए विदाउट शोइंग यानी बिना कुछ दिखाए, डिसरिस्पेक्ट यानी क्या होता है, हम जिसे बोलते हैं अनादर किए, बिना अनादर किए भगवान विष्णु के वरदान का, बिना अनादर किए आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं, इज एम आर के साथ एनजी फॉर्म रहा हूं, रही हूं प्रेजेंट कर, तो मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। देखिए इसने वरदान मांगा था ना दिन में ना रात में, शाम को मारा, ना जमीन पे ना ऊपर, तो बीच मतलब गोद में रख के मारा। इसने और एक वरदान मांगा था, ना घर के अंदर मरूंगा ना घर के बाहर मरूंगा, ये बड़ा कठिन कर दिया था भगवान ने इसने हिरण्यकश्यप ने, ना घर के अंदर, तो इसने क्या किया था, जो घर के बीच में जो चौखट होता है ना वहां पे मारा था, चौखट के बीच में, तो ना घर के अंदर है ना घर के बाहर में। और जो 12 महीने वाले में क्या हुआ था पता है, हिंदी महीने में आप देखें अति मास भी होता है, जिसे मल मास भी कहा जाता है, एक्स्ट्रा महीना होता है, कई बार बोलते हैं ना दो सावन पड़ गया इस बार, तो उन्होंने 12 महीने से एक्स्ट्रा उस समय अतिरिक्त महीना चल रहा था, डबल महीना चल रहा था, उसने बोले 12 महीने में से कोई महीना नहीं एक्स्ट्रा महीना है, 13वां महीना है, तो 12 महीना में से तुम किसी महीने में नहीं भरोगे, एक्स्ट्रा महीना है, और न ही मनुष्य है न ही जानवर है, तो वो दोनों का मिश्रण है, तो इसको ना आप जानवर बोल सकते हो ना मनुष्य बोल सकते हो, न ही वो देवता बनकर आए थे ना वो दानव बन के आए थे, न ही किसी हथियार से, अपने नाखून से मारा, तो नाखून तो कोई हथियार में आया नहीं आता, इसको बोलो कि एक नाखून दो भैया किसी को मारने के लिए, नहीं ये तो नहीं होता ना, तो उसे हथियार बनाया था उन्होंने। तो उन्होंने कहा भगवान ब्रह्मा जी के जो वरदान है उसको, उसका पालन करते हुए बिना अनादर किए हुए मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। दस इस प्रकार हिरण्यकश्यप वॉज किल्ड, हिरण्यकश्यप मारा गया बाय लॉर्ड विष्णुस नरसिम्हावतार, भगवान विष्णु के अपोस्ट्रोफियस नरसिम्हावतार से के द्वारा मारे गए। द पीपल एंड प्रहलाद प्रेज्ड द नरसिम्हावतार, तो जो लोग थे और जो प्रहलाद है ना प्रेज्ड यानी प्रशंसा की नरसिम्हावतार, नरसिम्हावतार की बहुत ज्यादा उन्होंने प्रशंसा की, और बहुत ज्यादा वो क्रोधित भी हो गए थे, प्रहलाद ने जाके उन्हें शांत कराया था। और इनका मंदिर भी है, आप जब कभी उत्तराखंड जाएंगे तो जब आप केदारनाथ वगैरह की यात्रा जब में जाते हैं तो आपको वहाँ पे एक मंदिर भी मिलता है, जहाँ पे नरसिंह भगवान को प्रहलाद ने जहाँ पे शांत किया था वहाँ पर भी मंदिर है। मैं सब जगह जा चुका हूँ तो मुझे यहाँ पे और अलग फीलिंग आती है जब ये सबको देखो जानो इसके बारे में। तो ठीक है, तो भाई ये थी कथा भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह अवतार की, आपको कैसे लगी जरूर बताएंगे। यहाँ पे जैसे कि बहुत से लोग कमेंट करते हैं, बहुत से लोग कभी है ना कभी किसी और धर्म का बना दिया, मुस्लिम भाई बंधु का बना दिया, कभी है ना हमारे सिख भाई बंधु, कभी बौद्धिस्ट का बना दिया, भगवान बुद्ध के बारे में बना दिया, अलग अलग कमेंट्स आते हैं और इस टाइप के लोग रहते हैं, और हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो है ना वो सब इस सब में नहीं पढ़ते हैं, उनका कभी भी कमेंट मेरे खिलाफ बुरा नहीं आता। बट ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं इसके इनके धर्म का क्यों बनाया, हमारे धर्म क्यों नहीं बनाए, इनके धर्म क्यों बना रहे हो, है ना, कुछ लोग बोलते हैं भगवान होते ही नहीं है, हम नहीं मानते, हम ये अवतार वगैरह नहीं मानते, ये सब झूठ है। आपको यहाँ मानने नहीं बोल रहा है कोई, आप जिसको मानते हो उसकी पूजा कीजिए, सब भगवान एक है, जिस नाम से पुकारिए सभी भगवान है ना, तो आप लोग उनकी पूजा कीजिए और ऐसे कमेंट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और वैसे भी ज़्यादातर ऐसे कमेंट नहीं आते, 99 में से मान के चलिए 100 में से 99 अच्छे कमेंट्स आते हैं, एक आध कमेंट ऐसे आ जाते हैं। बट इसलिए बोल रहा हूँ आपके मन में भी अगर ऐसा हो तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पे मैं गुरु हूँ आप शिष्य हैं, यहाँ पे क्या हुआ कैसे उस पे नहीं है, हम यहाँ पे इंग्लिश सीखने आए हैं, तो आप लोग प्लीज़ इंग्लिश सीखिए, इस प्रकार के आप लोग क्या नए नए जो वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग जानिए। आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे देखिए टॉर्चो मिला आपको, है ना, इसके अलावा आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे नए नए वर्ड्स भी मिले होंगे जो आप लोग को इसमें नोट डाउन कर लेना चाहिए। और इसके अलावा आपने यहाँ पे सही प्रोनाउंसिएशन वर्ड मीनिंग जानी, नीदर नॉर का यूज सीखा, ना तो ना ही, नीदर नॉर ये आपका टेंस ग्रामर में आता है, टेंसेस आपने सीखा, वर्ब्स की फॉर्म्स आपने सीखा यहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो हमें सीखना होता है। स्टोरी यदि आप जानते हैं तो भी आप लोग जरूर क्लास को ज्वाइन किया करें, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। बताएंगे आपको आपकी स्टोरी कैसे लगी, समझाने का तरीका पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और एक बुक वगैरह का लिंक मैं नीचे दिया रहता हूँ। बहुत से लोग कमेंट करते हैं सर इस क्लास की स्टोरी को आप लोग ट्रांसलेट कीजिए, तो भाई मुझे तो नहीं मिल पाता क्योंकि मेरे पास वो बुक्स नहीं है। आप लोग नीचे मैं लिंक दिया हूँ टेलीग्राम सॉरी इसका जी मेल का मैं लिंक दिया हूँ, जहाँ पर जी मेल में आप जाइए और वहाँ पर PDF बना लीजिए, उस बुक का फोटो खींचिए और मुझे भेज दीजिए, मैं जरूर उसे डाउनलोड करके आपको जो जो ट्रांसलेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, 2-3 पेज की हो तो बहुत अच्छी बात है,
तो आप लोग के लिए भी अच्छा रहेगा, दूसरों को भी अच्छी अच्छी कहानियाँ या आप लोग को जो चाहिए क्लासेस के है ना सब सब्जेक्ट्स के वो मैं ट्रांसलेशन कर दूंगा डिटेल में, तो आप लोग पीडीएफ उसका बना के बस सेंड कीजिए मेल में, मैं डाउनलोड करके और उनका नाम भी बता दूंगा जिन्होंने भेजा है, तो थोड़ा और अच्छा रहेगा भाई इनके द्वारा भेजा गया है तो वो आप लोग कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे लिंक है, कल का भी मैं टेलीग्राम में दे चुका हूँ लिंक पीडीएफ का, तो आप सभी को ऐसे ज्वाइन कर लेना है, ज्वाइन है तो आप लोग लाइक कर लेंगे, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।